उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए ऐसा गणित बन गया कि आखिर में बीजेपी को जीत मिल गई। दरअसल बीजेपी को जीत मिली है दूसरी वरीयता वोट से। अब सवाल यह है कि दूसरी वरीयता वोट आखिर होता क्या है, हम आपको समझाते हैं। अगर दोनों खेमों को जरूरी 37 वोट नहीं मिलते, जैसा कि इस चुनाव में हुआ, ऐसे मामले में दूसरी वरीयता के वोट के लिए जाता है। और दूसरी वरीयता के वोट में ये देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटों पर काबिज कौन है, यानी बीजेपी के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधायक थे, यानी कि 324 सीटों पर बीजेपी काबिज है। ऐसे में दूसरी वरीयता वोट से बीजेपी को जीत मिल गई। और जो वादा सपा ने बसपा से किया था, वो वादा आखिरकार टूट गया। सपा बसपा के उम्मीदवार को राज्यसभा नहीं भेज पाई और उसका गणित बिगड़ गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जो तिकड़मबाजी की थी, उससे उन्हें जीत मिल गई। जीत मिलने के बाद वो काफी खुश भी नजर आए। इस खबर को आप शेयर करना मत भूलिए और पल पल की अपडेट के लिए हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।